नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 4 फरवरी 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। एजुकेशन भास्कर एडमिशन अलर्ट, भास्कर गाइड 1951 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। राजस्थान पत्रिका जयपुर एग्जाम गाइड, भास्कर विशेष सेकावाटी मिशन शो अनिवार्य हिंदी कक्षा 10। भास्कर करंट अफेयर्स क्यूज बजट विशेष 2020 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। भास्कर न्यूज अपडेट स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा 2018 प्रश्न पत्र जारी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 अजमेर। रीट मुख्यमंत्री गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने 24 दिसंबर को की थी घोषणा, 2 अगस्त को कराएंगे परीक्षा, 45 दिन बाद भी सिलेबस पद तय नहीं, असमंजस में अभ्यर्थी। रीट शिक्षक भर्ती 2020 सीकर। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा काउंसलिंग शुरू, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 अजमेर भास्कर। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू, पहले दिन 42 रहे गैर हाजिर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 संस्कृत शिक्षा काउंसलिंग नवज्योति अजमेर। कॉलेज व्याख्याता को सेवा मुक्त करने के आदेश की क्रियान्वित पर रोक, जयपुर हाईकोर्ट कॉलेज व्याख्याता। प्रदेश भर के छात्र खेलकूद में बनेंगे दक्ष, उच्च शिक्षा विभाग देगा बढ़ावा, अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम की कवायद, राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर। पीटीआई बनने के लिए लगाई फर्जी डिग्री, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई भर्ती 2018 भीलवाड़ा। कांस्टेबल भर्ती सरकार की अपील खारिज, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 जोधपुर हाईकोर्ट। अभिज्ञान सरोकार में दी गई भर्तियों की जानकारी, रीट शिक्षक भर्ती 2020 पटवारी, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 जयपुर। लेक्चरर की सेवा मुक्त करने के आदेश की क्रियान्वित पर रोक, जयपुर हाईकोर्ट भास्कर। उदासीनता नहीं हो रही है सुनवाई, 40 शिक्षकों को इंतजार, लंबे समय से वेतन को तरस रहे शिक्षक, बीकानेर शिक्षा विभाग सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड शिक्षक। परीक्षा शुल्क को लेकर विषमता, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों से लिया जाता है शुल्क, 8वीं के विद्यार्थियों का नहीं लगता, बीकानेर शिक्षा विभाग। 93% गुरुजी सरकार के आदेश मानने लग गए, ऑनलाइन हाजिरी से मास्टर जी के स्कूल से बंक मारने पर लगा अंकुश, श्रीगंगानगर शिक्षा विभाग। होमगार्ड में 13 डिप्टी कमांडेंट की सीधी भर्ती, 4 वर्षों से रिक्त पड़े थे पद, जयपुर होमगार्ड भर्ती 2020। शाला दर्पण पर शिक्षकों के लिए बढ़ाई सुविधा, भीलवाड़ा शिक्षा विभाग। यूजीसी वर्ष में 2 बार करवा रहा नेट, आरपीएससी ने नहीं ली 6 वर्ष से सूद, 6 साल से भूले सेट परीक्षा, निजी कॉलेजों में पढ़ा रहे बीए एमए। 2013 में 40,216 अभ्यर्थियों ने दी थी सेट परीक्षा, 6,235 हुए थे पात्र घोषित, फतेहपुर सीकर कॉलेज शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग अब 7 को मिलेंगे गार्गी पुरस्कार, दूसरी किस्त के लिए ऑफलाइन करना होगा आवेदन, पत्रिका सिरोही। पश्चिम मध्य रेलवे में 1273 पदों पर भर्ती, 14 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। शिक्षक संघ सियाराम की बैठक, ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया का विरोध, बयाना राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। आरएसआरडीसी बनाएगा 3 मेडिकल कॉलेज, डीपीआर तैयार, जयपुर शिक्षा विभाग। अब 5 किलोमीटर के दायरे में होंगे परीक्षा केंद्र, प्रदेश के करीब 5,00,000 से अधिक परीक्षार्थियों को राहत, कई बार मिल चुकी शिकायत है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एग्जाम। एनटीटी भर्ती की उलझन से परीक्षार्थी परेशान, घुस आए अभ्यर्थी आईसीडीएस दफ्तर में घुसे, जयपुर एनटीटी भर्ती परीक्षा।
अभिभावकों को दिखाई जाएंगी प्री बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं। परीक्षा परिणाम सुधार के लिए एक और कदम। अजमेर नीट अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया अंतिम अवसर। एनटीए ने सोमवार को खोली एप्लीकेशन विंडो, अंतिम तिथि 9 फरवरी। अजमेर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए। रोजगार योग्य प्रतिभा हर साल 2% बढ़ रही है, फिर भी 50 लाख युवा हर साल उच्च शिक्षा लेकर बेरोजगारों की कतार में शामिल हो रहे हैं। नवज्योति जोधपुर कॉलेज और विश्वविद्यालय। प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू, परीक्षा परिणाम सुधारने की कवायद। जोधपुर नवज्योति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 से। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। पांचवी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से टाइम टेबल जारी। जोधपुर नवज्योति टेक्निकल एजुकेशन इसी सप्ताह शुरू होंगे अप्रैल मेन के रजिस्ट्रेशन। स्कोर सुधारने का मिलेगा मौका। जेडब्ल्यू मेन 2019 में 3 महीनों में ही 10 से 99 तक पहुंचा परसेंटाइल, जरूर दे अप्रैल मेन। जयपुर जेडब्ल्यू मेन आईआईटी जोधपुर में शुरू होंगे 4 नए कोर्स। यूजी में अब 472 सीट्स जोधपुर आईआईटी। कमिश्नर की क्लास के लिए हुआ एंट्रेंस, 100 स्टूडेंट्स का होगा चयन। जयपुर शिक्षा संकुल। जिले में 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू। अजमेर प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, 12वीं के 10,450 व 10वीं के 16,375 छात्रों ने दी अंग्रेजी की परीक्षा। श्रीगंगानगर नियमित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 11 से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। परीक्षा परिणाम घोषित। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जिले के 17,290 अभ्यर्थियों में से 145 मेरिट में। श्रीगंगानगर भारतीय संस्कृति ज्ञान एग्जाम। प्रोफेसर त्रिवेदी ने संभाला एमजीएस विश्वविद्यालय का कार्यभार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। सीबीएसई ने बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए शुरू की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जयपुर पत्रिका शिक्षा रोजगार। बाल आयोग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो पढ़ाई का क्या फायदा। जयपुर राजस्थान पत्रिका। किताब वितरण में हुई देरी तो संबंधित पर होगी कार्रवाई। उदयपुर में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कैसे मिलेगी किताबें। उदयपुर शिक्षा विभाग। विश्वविद्यालय ने निजी कॉलेजों को बनाया परीक्षा केंद्र। उदयपुर यूनिवर्सिटी कॉलेजों की चूक, अटकी करोड़ों की छात्रवृत्ति। कुचामन सिटी नागौर। सीबीएसई आंसर शीट में 7 ब्लॉक बॉक्स से पहले शुरू करना होगा रोल नंबर। सीबीएसई एग्जाम उदयपुर। कोई भी स्कूल फीडिंग कार्य से वंचित रहा तो होगी कार्रवाई। मुकेश गर्ग धौलपुर शिक्षा विभाग। इसी सत्र में स्कूल की किताबों में बदलाव। जिले की 2,605 स्कूलों को भेजी है डिमांड। 2,593 स्कूलों की मैपिंग। बांसवाड़ा शिक्षा विभाग। निष्ठा प्रशिक्षण कला को समायोजित कर शिक्षा को रोचक बनाने की पद्धति से दे रहे स्कूल प्रमुख और शिक्षकों को प्रशिक्षण। बसेरी एसडीएम व सीबीओ विवाद। शिक्षकों का कार्मिक धरना शुरू। जिला मुख्यालय पर वार्ता रही बेनतीजा। नौहर सीटेट आवेदन 24 तक 5 जुलाई को होगी परीक्षा। भीलवाड़ा सीटेट। तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।